आज हम बनाने वाले हैं रायता। ये मैंने दही लिया हुआ है, देखिए ये गाढ़ा दही है आधा लीटर। तो इसमें मैं पहले पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा कम से आधा लीटर दही है तो आप 250 ग्राम पानी इसमें ऐड कर सकते हैं आराम से। अब ये एकदम सही हो गया है तो इसमें हम डालने वाले हैं, ये मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। इसमें हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालने वाले हैं और इसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही ये मेरे पास सूखा हुआ पुदीना है जो रायते में बहुत अच्छा लगता है, ये मैं आधा चम्मच ऐड करने वाली हूँ। इसके साथ ही मेरे पास काला नमक है जो बहुत ज़रूरी रहता है रायते में, जो मैंने आधे चम्मच से थोड़ा कम लिया हुआ है। और इसके साथ ही हम बूंदी डालेंगे इसमें, पहले इसको फेंट लेंगे, फेंट लेंगे जिससे कि इसमें अच्छे से मसाला अच्छे से ऐड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे रईस से या फिर चम्मच से भी इसको हिला सकते हैं। अब देखिए अब इसमें हम बूंदी ऐड करेंगे, आप ज़्यादा बूंदी पसंद करें तो ज़्यादा, कम पसंद करें तो कम ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें बूंदी, इसके बाद ये मैं इसमें तड़का नहीं लगा रही हूँ क्योंकि तड़के वाले मैं दूसरे वीडियो में डालने वाली हूँ। इसमें मैं आपको एक अलग चीज़ बताने वाली हूँ, इसमें मैं भुना हुआ जीरा, हींग जीरा मैंने भून लिया है। ये देखिए मैंने हींग जीरा भून लिया है, मैं इसको हथेली से रगड़ के इसमें डालने वाली हूँ। तो चलिए ये देखिए मैंने इसको ऐसे ही साबुत नहीं डाला है, हथेली से रगड़ लिया है कस के, उसके बाद मैंने इसको इसमें हींग जीरा मिला लिया है। अब ये रायता आप टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको ये रायता कैसा लगा, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप तड़का वाला रायता चाहें तो आप तड़का भी लगा सकते हैं, ये वाला रायता भी बहुत इजी बहुत अच्छा लगता है। तड़के वाले में आप घी गरम कीजिए और उसमें जीरा डाल के हींग डालिए और उसके बाद उसमें हरी पत्ती, धनिया की हरी पत्ती डाल के और तब उसका तड़का लगाइए तो वो रायता भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए गाइस रायता हमारा बनके तैयार है, ये देखिए हमारा रायता, देखिए टेस्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।